कलर ग्रेडिंग। तो इस टाइप का कलर ग्रेड अपन इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। और गाइस, ऐसी कलर ग्रेडिंग अगर आप मॉन्टेज वीडियो में यूज करोगे और साथ में इसके ऊपर हल्का सा ग्लो ऐड करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा ऑसम लगेगी। और ग्लो कैसे ऐड करना है तो इसके ऊपर मैंने कुछ ट्यूटोरियल बना रखे हैं, तो आप देखकर इजीली ग्लो ऐड कर सकते हो। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कैपकट को ओपन कर लेना है, क्योंकि ये जो कलर ग्रेडिंग है अपन कैपकट में करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, जिस भी वीडियो पे आपको कलर ग्रेड करना हो। अब क्या करना गाइस कि यहाँ पे आपको ना तो कोई इफेक्ट ऐड करना है और ना ही कोई फिल्टर ऐड करना है। तो जितनी भी कलर ग्रेडिंग है वो अपन मैनुअली करेंगे, जिससे कि अपनी वीडियो जो है वो प्रोफेशनल तरीके से कलर ग्रेड हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको अपनी क्लिप पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और डायरेक्ट आपको एडजस्ट पे आ जाना है। और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, तभी परफेक्ट तरीके से हो पाएगी। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको बस अच्छे से फॉलो करना है। तो आप जिस भी टाइप की कलर ग्रेड करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले ब्राइटनेस, तो अभी आपको इसे जीरो रखना है। पूरा कलर ग्रेड करने के बाद आपको लगे कि मुझे थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ाना है या कम करना है तो उसके बाद आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रेस्ट, इसको आपको 30 या 40 के अराउंड रखना है, ओके। और सिचुएशन, इसको भी आपको लास्ट में सेट करना है। अगर आपकी वीडियो के अंदर कलर थोड़े कम आते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हो, या फिर कलर अगर आपका ज़्यादा आता है कलर ग्रेड करने के बाद तो आप इसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको नहीं छेड़ना है। इसके बाद आपको एक्सपोजर, इसको रखना है आपको 30 के अराउंड, ओके। तो मैं 30 बढ़ा लेता हूँ। और यहाँ पे आपको जो शार्पन है वो रखना है 70 के अराउंड, जिससे कि आपकी वीडियो के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी ऐड हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है मेन HSL, जिससे कि आपकी वीडियो के अंदर पूरा ही कलर ग्रेड आप चेंज कर सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। जिस टाइप का कलर आपको चाहिए कौन सा कलर नहीं चाहिए, इससे आप डिसाइड कर सकते हो, इससे हटा सकते हो, ला सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जैसी भी कलर ग्रेडिंग चाहिए वो पूरी कलर ग्रेडिंग आप इससे कर सकते हो। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे जो रेड कलर है गाइस, इसका जो लुमिनेंस है आपको फुल कर देना है, बाकी हुई और सिचुएशन को नहीं छेड़ना है, ओके। इसके बाद ऑरेंज कलर है गाइस, तो इसका जो हुई है आपको माइनस कर देना है और जो लुमिनेंस है इसको प्लस कर देना है 100, ओके। बाकी सिचुएशन को नहीं छेड़ना है, क्योंकि पहले से काफी ज्यादा सिचुएशन इसके अंदर है, ओके। इसके बाद आपको येलो पे आ जाना है, तो इसके अंदर जो तीनों चीजें है वो आपको माइनस कर देना है, ओके। तो आप देखो, सिचुएशन अगर बढ़ाओगे तो ऑरेंज कलर ऐड होता जाएगा, देख सकते हो कलर ग्रेड के अंदर, तो जो कि अपने को ऑरेंज कलर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं 70-80 अराउंड माइनस में रखूंगा, ओके, कुछ इस टाइप से। और गाइस, ये जो ग्रीन कलर है इसका हुई और सिचुएशन दोनों ही आपको माइनस कर देना है। लुमिनेंस को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ओके, जितना आपकी वीडियो के अंदर सेट हो उतना आपको बढ़ा देना है। तो देखो, इतना करने के बाद अपनी जो कलर ग्रेडिंग है वो कुछ इस टाइप की हुई है। तो हो सकता है कि आपकी जो वीडियो की लोकेशन है, जो आपने फ्री फायर वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो लोकेशन थोड़ी अलग हो, तो उसका एनवायरनमेंट भी अलग होगा। तो ज़रूरी नहीं कि इतना करने के बाद ऐसी ही कलर ग्रेडिंग आपकी वीडियो के अंदर हो, ठीक है। तो आप HSL के द्वारा अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कलर ग्रेड को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मेरा एनवायरनमेंट कुछ इस टाइप का था, ग्रीन ग्रीन, तो इस टाइप की कलर ग्रेडिंग हुई है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी अलग हो, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हो HSL को। अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है, क्योंकि इतना काम ही करना था इसके अंदर, क्योंकि इन चार कलर को ही एडजस्ट करना था, बाकी के कलर को मैंने एडजस्ट नहीं किया। तो आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, ओके, बाकी के कलर को भी। अब यहाँ पे आपको ग्राफ को नहीं छेड़ना है, हाईलाइट पे आ जाना है, हाईलाइट आपको 10 प्लस करना है, ओके। और शेडो जो है वो आपको 10 माइनस करनी है। और इस टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो कुछ इस टाइप का एनवायरमेंट होगा, और माइनस करोगे तो कुछ इस टाइप का। तो इसको आपको 10 माइनस करना है, ओके। और हुई और फेड को नहीं छेड़ना है। जो विनिट है इसको आपको बढ़ा देना है, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ब्लैक इफेक्ट ऐड होगा, जो कि आपकी वीडियो को काफ़ी अमेजिंग बनाता है। तो आप इसको माइनस करोगे तो वाइट ऐड होगा, तो आपको इसे ब्लैक ही रखना है, ठीक है। तो 30-40 के अराउंड इसे रखना है, तो मैं 40 कर लेता हूँ, ओके। तो इस तरह से अपनी जो कलर ग्रेडिंग है वो कम्प्लीट हो जाती है। अब आप इसके अंदर ब्राइटनेस को बढ़ाकर या कम करके देख सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, और सिचुएशन को भी कम ज़्यादा करके देख सकते हो। अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए तो भी एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।